नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। दोस्तों, जिस तरह से मॉर्निंग में सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तीनों कृषि कानून हैं वापस लेने की घोषणा करते हैं, इसके बाद जो किसान हैं वो अपने आप में सोच में पड़ जाते हैं। हमारे साथ ब्रजेश कुमार जी हैं जो किसान हैं, किसान नेता हैं, सीधे उनसे चर्चा करते हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात कह दी है, अब रिवील किया जाएगा कानून को नया जो शीतकालीन सत्र आने वाला संसद भवन में, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कृषि कानून थे ये किसानों के हित में थे, ये अहित में नहीं थे। इसमें अहित उनका था जो दलाल किसान थे, जो मंडी में दलाली करते थे, छोटे किसान से खरीदते थे, मंडी में जाके बेचते थे या लेवी पे बेचते थे। इसमें छोटे किसान का फायदा नहीं है, कानून रद्द होने में छोटे किसान को नुकसान है। अब छोटा किसान कहाँ जाएगा? बड़ा किसान जिस पर 200 बीघा ज़मीन है, 250 बीघा ज़मीन है, 70 बीघे ज़मीन है, वो तो मज़े ले रहा है, उसने कानून रद्द करवा लिए। और जो छोटा किसान है वो कहाँ जाएगा? मोदी जी ने उसकी नहीं सोची। मोदी जी चंद लोगों के दबाव में आ गए, अभी तक चल रहा था, चलता रहता, कानून लागू थोड़ी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कानून लागू नहीं होंगे, 1.5 साल तक सरकार ने भी कह दिया भाई कानून लागू नहीं करेंगे, अब जो सुधार है सुधार करवा लो। लेकिन ये जो कुछ ये कहते हैं ना कि जो असहिष्णु लोग हैं, जिनके पास में खाली ये है कि हमें तो सिर्फ बेईमानी करनी है, वो सारे के सारे एक छत्ता बना लिया उन्होंने और सरकार पे दबाव बना लिया। लेकिन एक बात ब्रजेश जी, एक बात ये भी समझने वाली बात होगी, क्योंकि 1 साल से आंदोलन चल रहा, किसान आंदोलन, राकेश टिकैत बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से फैसला लिया सबको ही अचंभित है। 1 साल उनका बैठना भी तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वो है। देखिए, अब जो ठलुआ क्लब है, एक निबंध था 12वीं में, अभी भी शायद यूपी के बोर्ड में लगा हुआ होगा ठलुआ क्लब, उसमें ये था कि जो घर से बेकार है, जिसे घर में कोई काम नहीं है, वो धरने पे आके बैठ जाए। भाई, धरने पे 500 रुपये भी तो मिल रहे हैं, पीने के लिए दारू मिल रही है, खाने के लिए बादाम काजू मिल रहे हैं, जलेबी मिल रही है, तो घर में क्यों रुकेगा आदमी? जो ठलुआ है और जो कामगार है, जो किसान है, उसे किसानी से फुर्सत नहीं है अपने, वो कैसे लगेगा भैया? वो कहेगा, कोई भी नेता कहेगा कि यहाँ के जी धरना दे दो, वो क्यों देगा धरना? क्यों देगा धरना? वो अपनी किसानी देखेगा कि धरना देगा? लेकिन जीत तो राकेश टिकैत की हो गई ना, किसान नेताओं की हो गई ना जीत, अगर जीत के तौर पर देखा तो इन लोग की जीत हो ही गई। देखिए, जीत ये हो गई है, लेकिन ये जीत नहीं है। अब मोदी जी ने क्या सोच के ये कानून वापस लिए हैं कि रद्द किए हैं कि जब सत्र आएगा उसमें हम रद्द कर देंगे, ये क्या लेके आएंगे? अच्छा, दूसरा बात, जो भाजपा की सरकार है वो किसानों की हितैषी सरकार है। आज तक कोई भी सरकार ने ऐसा नहीं किया है जो 6,000-2,000 रुपये किसानों को दी हो, सम्मान निधि, या किसानों के हित में कानून लेके आया हो। जब कब से चल रहा था ये किस्सा भाई? चौधरी चरण सिंह जब कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने थे, तब से ये किस्सा चला हुआ है, लेकिन किसी ने हाथ में नहीं लिया। मोदी सरकार ने हिम्मत दिखाई तो जो दलाल है, जो मंडी के दलाल, वो कहते हैं कि जी कानून वापस ले लो। आप कैसे कानून वापस ले लो? अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस प्रकार से अगर सरकार दबाव में आकर कानून वापस लेती है तो भैया ऐसा तो कोई भी कर लेगा। 370 है अब तो, कश्मीर वाले जितने भी हैं वो आके बैठ जाएंगे जी 370 हटाओ। 370 क्यों लागू, क्यों हटाइए? तुमने रद्द किया, उसे लागू करो, बहाल करो उसको, हम धरना दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये देश हित में नहीं है फैसला मोदी जी का, देश हित में नहीं। राकेश टिकैत कहते हैं कि हमें अभी सरकार पे भरोसा नहीं है, भले ही प्रधानमंत्री कहने लगे कि हम कानून वापस ले रहे हैं। क्यों सरकार पे भरोसा नहीं, जब खुद देश के मुखिया कह रहे हैं कि हम कानून वापस ले रहे हैं, फिर भी राकेश टिकैत को भरोसा नहीं? राकेश टिकैत को तो खुद पर भरोसा नहीं है। अभी आपने देखा होगा 27 जनवरी कैसे उन्होंने टुसुए बहाए थे, आंदोलन खत्म हो गया था 27 जनवरी को, लेकिन उन्होंने आंसू बहा के कि मैं तो पानी जब ही पीऊंगा जब कोई किसान लेके आएगा। ये नौटंकी होती है, जो भाड़ होते हैं ना, भाड़ भाड़ जैसी नौटंकी करते हैं, उससे अच्छी राकेश टिकैत करता है। तो किसान लेके आएगा तो वो जो देश विरोधी लोग हैं वो दूर दूर से चल पड़े पानी ले लेके, लोटे में पानी ले लेके। अब ये पता नहीं कि किसान राकेश टिकैत 500 बीघे तो जमीन है। राकेश टिकैत का भाई ये कहता है, जब जी ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, क्या फैक्ट्री खोलो या 200 रुपये से कम में हम दिलवाएंगे गन्ना, जो जो किसानों की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं आज,
तो वो राकेश टिकैत का बड़ा भाई था, बोले जमीन हमारे पास में है। तो पत्रकार कहता है कि भाई किसान क्या सोचे, बोले किसानों को छोड़ दो, किसानों को हम समझा लेंगे। तो ये तो बेईमान लोग हैं। लेकिन सर एक बात ये है ना कि अगर इस आंदोलन को लेकर जो हमने देखा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन था, तो कांग्रेस जीत गई, यानी सीधा सीधा कांग्रेस तो जीत गई ना। देखिए कांग्रेस प्रायोजित नहीं, जितने विपक्षी हैं सबका उस पर हाथ था, सब ने चंदा दिया। जो बड़े बड़े दलाल हैं मंडी समिति के, उन्होंने सब ने चंदा दिया। एक अलीगढ़ में कोई हैं सज्जन, तो वो बता रहे थे कि मेरे ताऊ ने 10 लाख रुपए ऐसे दिए टिकैत को। तो भैया टिकैत को 10 लाख रुपए काहे के दिए, खाली इस बात के कि जो गांव का बूढ़ा आदमी है, जो घर से बेकार है, जैसे घर में भी रोटी ना दे रहे घर, उसके घर वाले, उसे ला के बिठा दो यहाँ। अगर आंदोलन था तो ये बताइए आप, एक लड़का जलाया गया था, हत्या हुई थी उसकी, जला के मार दिया। एक तरन तारण का अभी महीना भर पहले उसके हाथ काट दिए, उल्टा लटका के मार दिया उसे। तो क्या आंदोलन ऐसे होते हैं? ऐसा आंदोलन तो नहीं होता। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी सरकार पर दबाव किस चीज़ का आया। भाई राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्रहित के फैसलों से कभी भी वो नहीं करना चाहिए। अगर राष्ट्रहित से आप फैसला करेंगे दबाव में आकर, तो राष्ट्र काय का राष्ट्र है फिर? फिर तो जैसे ही कांग्रेस की सरकार वैसी मोदी की सरकार। बताइए आप, अगर कोरोना नहीं फैलता तो जो शाहीन बाग में जो बैठे हुए थे सीएए का जो विरोध कर रहे थे, वो क्या उठ जाते? भाई सरकार घेरने का हक किसने दिया है किसी को? अगर कोई 4 आदमी सड़क पर बैठ, सड़क घेर के बैठ जाए और 25 आदमी उससे सर परेशान हो रहे हैं, तो 25 आदमी की सुनेगी सरकार या 4 आदमियों की सुनेगी? अच्छा सर एक बात आपने अभी कही कि छोटे किसान फिर दब गए, आपने स्टार्टिंग में बोला कि छोटे किसानों पर वही फिर प्रभाव हो गया जो पहले 70 सालों से होता रहा। क्या हुआ छोटे किसानों को अगर कानून वापसी ले लिएगा, तो छोटे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए छोटे किसानों पर ये प्रभाव पड़ेगा कि उनका होगा क्या, मनमानी तो उनकी चल रही है ना, जिनके हाथ में पावर है। भाई मेरे पास 400 बीघे जमीन है, तो मैं गाँव के आसपास के जितने किसान हैं सबको अपने कब्जे में रखूँगा, सबको कर्जा दूंगा। तो उनका क्या फ़ायदा हुआ? 6,000 रुपये से तो गुजारा नहीं होता। अब एक चीज़ और देखो, अब प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि जी हम कानून वापस ले रहे हैं, अब जब सत्र शुरू होगा तो सबसे पहले ये काम किया जाएगा। टिकैत क्या कह रहा है? टिकैत कह रहा है कानून अभी वाप हम यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक कानून संसद में रद्द नहीं होगा। दूसरा MSP का कानून बनाओ, यानी उंगली पकड़ के पौंछा पकड़ना। बोले हम नहीं हट रहे यहाँ से, अब कानून तो रद्द हो गया लेकिन MSP के लिए कानून बनाओ। तो सरकार में इतना दम है जो MSP के लिए कानून बना दे? भाई सरकार गेहूँ खरीदती है, चावल खरीदती है, किस लिए? ताकि जो वंचित वर्ग है उसे दिया जा सके, कोटे में राशन के माध्यम से बांटा जा सके। अब सरकार से कोई कहे कि जी तिल भी खरीद लो, आप तिल भी हमें दो, सरकार दे देगी। यानी हाथ पकड़ा दिया, पूरा शरीर पकड़ना है, बिल्कुल पहुंचा पकड़ना है, पकड़ के रहेंगे ये। क्योंकि जो जब हमारी दुखती नब्ज किसी के हाथ में आ जाती है ना रग, तो वो उसे दबाता है और जो हमसे चाहता है वो करवाता है। अच्छा राकेश टिकैत कहते हैं कि भारत सरकार की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 लाख देने की बात की, 15 लाख नहीं दिए। इसी तरह कह रहे हैं कृषि कानून वापस कर ले जाएंगे, वो भी नहीं वापस होंगे। क्या चाहते हैं टिकैत साहब, क्या बॉर्डर पर बैठे ही रहना चाहते हैं? देखिए टिकैत कह रहे हैं कि 15 लाख की बात की मोदी ने कभी ना करी, ना भाजपा ने करी, हमारे तो हमें तो सुनवाई ना आई कि 15 लाख रुपये वापस मिलेंगे। लोग अपने आप से सगुफा छोड़ रहे हैं कि जी 15 लाख वापस आएंगे, 15 लाख वापस आएंगे, तो ये कोई तरीका थोड़े ही है। अच्छा दूसरी बात कि अब गांव का कोई भी आदमी है उसे अपना काम करवाना है, या आप हैं, आप जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं जी लाइसेंस बना दो मेरा, तो वहाँ एक सिपाही कह रहा है कि जब बन जाएगा 500 रुपये लगेंगे, तो आप कह रहे हो यार कल कौन चक्कर लगाएगा ले 500 रुपये ले, तो भ्रष्टाचार कौन बढ़ा रहा है? भ्रष्टाचार बढ़ा कौन रहा है? आम आदमी बढ़ा रहा है, और आम आदमी को सब चीज़ें भी चाहिए। यानी कि आम आदमी अपना कर्तव्य नहीं करेगा, जो से करना चाहिए चाहिए सब चीज़, तो ऐसा संभव नहीं है। अच्छा सर एक बात और ब्रजेश जी, एक बात ये जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से कृषि कानून वापस हुए हैं, इसका आने वाले समय में क्या प्रभाव देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से आप देखें पार्टियां मनाई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार गए, नरेंद्र मोदी को हमने हरा दिया, मिठाइयाँ बांटी जा रही, कैसे देखते हैं आप? देखिए
मोदी को हराना तो नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोदी के पास कुछ नहीं है। मुलायम सिंह यादव जब शुरू की थी राजनीति तो क्या थे, आज क्या है भाई, इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई, कई सोर्स है इनकम का, इसकी जांच करने वाला कोई नहीं है। मायावती का रंग शुरू में देखो, जब वो राजनीति में आई थी कैसी थी और आज कैसी हैं, उनके भाई का एक बुरा वो चल रहा है रियल इस्टेट का बिजनेस है, तो ये पैसा कहाँ से आए। जयंत चौधरी, चरण सिंह चौधरी किसानों के हित के लिए मर गए, लेकिन अजीत चौधरी मुसलमानों के हाथ में खेला। जयंत चौधरी कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी जाट वोटों के लिए वो सब कुछ कर रहा है तो। और अखिलेश यादव कहते हैं सिर्फ वोट पाने के लिए, अरे ये तो भगवा तो सब, और वो चिलमची चिलम पीने वाले है ना, तो वो एक पूरे संत समाज को गाली दे देता है। तो इनका राजनीतिक अस्तित्व तो बिल्कुल नहीं है सिवाय भाजपा के अलावा। नहीं, भाजपा ने अगर ये कानून वापस लिया है कृषि कानून, तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ गणित बैठाया होगा। खाली वोट नहीं, भाजपा जानती है कि हमें वोट नहीं मिलेगा, और ना मिले आप क्या सोच रहे हो, तीन कानून वापस लेके आएगा वोट मिल जाएगा। मीडिया में तो यही चर्चा है ना कि चुनाव नज़दीक है, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, हिमाचल के चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए भारत सरकार ने कानून वापस लिए। देखिए, भारत सरकार ने कानून वापस ले लिए, चलो ठीक है, पंजाब में क्यों लागू है भैया, पंजाब में रद्द करवाओ ना, पंजाब में तो ये कानून लागू है पहले से ही, पंजाब में क्यों नहीं रद्द करवा रहे। दूसरा राजस्थान है, राजस्थान में आप स्टेट लेवल पर एक ऐसा कानून लेके आओ ना जो किसानों का हित करे, क्यों नहीं लेके आ रहे। अभी पीछे GST के लिए मीटिंग हुई थी, पेट्रोल और डीजल को उसमें लाने के लिए सीतारमण ने किया था, तो उसमें कांग्रेस शासित राज्य पंजाब और आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एक झारखंड, इन चार राज्यों ने विरोध किया था कि पेट्रोल और डीजल को GST में नहीं आना चाहिए। ये पब्लिक नहीं जानती है भैया, क्यों ना आना चाहिए डीजल और पेट्रोल, क्योंकि इनकी जेबें कहाँ से भरी जाएंगी फिर भाई, आधे से ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है तो कहाँ से आएगा पैसा। तो सर एक बात ये भी है ना, जब कानून वापस हो रहे हैं तो मैंने एक बात नोटिस किया, हम गाजीपुर बॉर्डर करें, अभी भी किसान वैसे ही बैठे हुए हैं। बैठा रहेगा, वो ना जाएगा कहीं भी। अब उसने अपने स्टेटमेंट नहीं सुना राकेश टिकैत का, बोले तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि संसद में रद्द नहीं होगा। दूसरा MSP पे कानून लाओ, अब MSP पे कानून चाहिए हमें, और MSP पे कानून आ जाए, इतना बड़ा दिल किसी में नहीं है चाहे वो किसी की भी सरकार आ जाए, क्योंकि MSP पे कानून लाने का मतलब है कि राजकोष का बंटाधार हो जाना। MSP तो गेहूँ धान सबकी MSP है, लेकिन इसे लिखित में नहीं दे सकते। लिखित में देने का मतलब है कि अपने हाथ पर काटना, कहाँ से देगी सरकार। गेहूँ खरीदती है, धान खरीदती है, क्यों खरीदती है, क्योंकि ये बांटने पब्लिक को देना है, बाकी का सरकार क्या करेगी। विपक्ष का तो बोलती बंद कर दी, जवान काट दी, अब ये समझ के चलिए आप। मोदी सरकार ने ये कानून वापस लेके विपक्ष की जो किसानों के कंधे पर रख के हथियार चला रहा था, बंदूक चला रहा था, वो किसान का कंधा हटा दिया, बोले तुम्हें कानून वापसी चाहिए, कानून वापस कर दिया। अब विपक्ष क्या लेके धुंध काटेगा, कोई है विपक्ष के पास मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, और कृषि कानून को वापस लेते ही बहुत सारी राजनीतिक प्रक्रियाएं भी आने लगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, अपने आप में ये कानून वापस लेना बहुत बड़े सवाल पैदा करता है, बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। दोस्तों बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ, मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।